मैं आ रहा हूं तुम्हारा खात्मा करने। मेरा नाम कैमरन है एंड मैं उलासी सिटी को छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि मेरा क्लासमेट्स मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। वो लोग मुझे बुली करते हैं, मारते हैं और परेशान करते हैं। मैं जहाँ पर भी जाता जो भी करता वो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे हर दिन हर रोज। फिर एक दिन मुझे एक लड़की ने आके प्रपोज किया और मैं बहुत खुश हो गया एंड मैंने उसे हाँ कर दिया। और अब मैं अपने दादाजी के विलेज में आ चुका हूँ। मेरे दादाजी एक कटाना सॉन्ग मास्टर है और ये विलेज में उन्हीं का है। अब मैं अपने दादाजी के घर चले जाता हूँ। मैंने अपने दादाजी को अभी तक बताया नहीं है कि मैं सिटी छोड़ के आया हूँ, तो मुझे दादाजी के साथ बात करनी पड़ेगी। तो मैं दादाजी से बात कर रही थी, कैसे हैं दादाजी? नमस्ते। तो गाइस, दादाजी को मैंने सब कुछ बता दिया जो मेरे साथ हुआ है और उन्होंने बोला कि मैं उनके साथ रह सकता हूँ और सिटी में जाने का जरूरत नहीं है एंड अब मैं सो रहा हूँ। दादाजी गुड नाइट। आज मुझे बॉक्स पे जाने का मन कर रहा है। ओ दादाजी आप उठ गए? ओ दादाजी मैं भी एक वॉक पर जाता हूँ। कहाँ कहाँ मौसम खराब है? हाँ दादाजी आप सही कह रहे हैं, मैं तो देखा ही नहीं, आज बहुत खराब मौसम है। हाँ बिजली, आज वॉक पे नहीं जाता हूँ दादाजी, मैं कल वॉक पे चला जाऊंगा, आज मौसम बहुत खराब है। सुबह हो गई दादाजी, अब मैं वॉक पे चले जाऊं? हाँ मैं आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। कुछ भी कहो भाई यार, दादाजी का विलेज पहुंचाना सीधा है भाई यार, क्या लगता है? चलो वॉक पे चलते हैं।
भाई यार मैं तो चलते चलते खो गया, ये किधर आ गया मैं? सिटी के साइड। अरे एकदम से वेदर चेंज हो गया यार, अब मेरे कपड़े भी भीग जाएंगे, जल्दी से घर जाना पड़ेगा। और दादाजी की लाठी भी जल्दी नहीं चलते हैं घर पे। ओ भाई मैं नीचे गिर गया, अब ऊपर कैसे जाऊंगा? अरे यार बिजली मेरे ऊपर गिरी, मुझे क्या हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये मैं इधर क्या कर रहा हूँ? हाँ मैं इधर लेटा क्यों, कौन सी जगह है ये? मेरे कपड़े भी कितने गंदे हो गए, दादाजी मेरे को बहुत चिल्लाएंगे। जल्दी जल्दी दादाजी के घर पे जाता हूँ। मेरे से गंदी बदबू भी आ रही है, मैं पहले नहा के आ जाता हूँ, तो उसके बाद दादाजी के घर पे जाऊंगा। पहले नहा लेता हूँ। चलो अब मैं अपने रूम पे ये कपड़े सुखाने रख देता हूँ। एंड क्या हुआ दादाजी, क्या कह रहे हैं आप? आपका पोता हूँ मैं। अरे मैं क्रेम्बल आपका पोता। दादाजी विश्वास कीजिए, मैं आपका पोता क्रेम्बल। तो दादाजी को मैंने कन्विंस तो कर दिया गाइस, लेकिन वो बोल रहे हैं मैं अपने आप को देखूं मिरर में। मैं अपने, ओ भाई अरे ये मैं कैसा हो गया, और मेरे हाथ पे ये ब्लैक कलर का बैंड क्या है? मुझे अब याद आया दादाजी, मेरे को लाइटनिंग से स्ट्राइक हो गया था मैं। एंड गाइस दादाजी ने अभी बताया कि जिस बंदे के हाथ में ऐसा ब्लैक बैंड होता है उसके पास सुपर पावर्स होती है। व्हाट आई मीन, शायद ये वो लाइटनिंग की वजह से हो सकता है जो कल रात को मेरे को लगी थी, आई मीन सुबह। दादाजी कह रहे हैं मैं अभी सो जाता हूँ, अगर मेरे पास सच्ची में सुपर पावर है तो मैं हम लोग कल चेक करेंगे। Do you believe it? मेरे पास सुपर पावर आ गई। वेल ओ दादाजी आप खड़े हो इधर, ओके तो हाँ मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ, हाँ तैयार हूँ, क्या करना है? ओके मैं ट्राई करता हूँ, उछलना है और फील करना है उड़ने का, ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, उछलना है और हवा को फील करना है। ओके ओके नहीं, ओ मैं उड़ रहा हूँ दादाजी, मैं उड़ रहा हूँ। व्हाट मेरे पास सच्ची में सुपर पावर है। ओ माय गॉड मेरे अंदर सुपर पावर्स आ गई है। एंड वैसे मैं दिख भी बहुत प्यारा शहर हूँ। ओ माय गॉड यार एक फ्लाइट, ये क्या है दादाजी, मैं सच्ची में उड़ पा रहा था। हाँ मैं उड़ पा रहा था, ठीक है दादाजी मैं तैयार हो चुका हूँ, मैं वैसे ही करूंगा बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब जाता हूँ और उन डीमंस को खत्म करके आता हूँ। डीमंस मैं आ रहा हूं तुम्हारा खात्मा करने।